हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बस आज शाम हो चुकी है और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रही हूँ बिकॉज आपको पता है कि मैं हमेशा वो चीज़ लाने की कोशिश करती हूँ, वो चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। सो मैंने सोचा कि मुझे डेट्स परचेज करनी है और मुझे हमेशा, मैं जितने लोगों से पूछती हूँ किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता। हर कोई कहता है सुपर मार्केट से लो, हर कोई कहता है यहाँ से लो, हर कहता है वहाँ से लो। तो द थिंग इज, मेन क्वेश्चन इज, हम कहाँ से लें, कहाँ से क्वालिटी मिले और किफ़ायती दामों पे मिले, कि हाँ ये भी ना हो कि हम अनड्यू प्राइजेस दें, ठीक है ना। तो उस वजह से आई विल बी गोइंग टुडे और मैं देखूँगी, मैंने 6-7 शॉप्स मतलब की हैं शॉर्टलिस्ट, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी चेकिंग इट। और अगर मुझे प्राइजेस वाइज और डीलिंग वाइज और क्वालिटी वाइज चीज़ अच्छी लगी, देन ओनली आई विल बी शूटिंग द व्लॉग विद यू गाइस। और चलती हूँ, देखती हूँ पहले जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है उसको सॉर्ट करती हूँ कि उनमें से कौन, जो मेरे मेन उसमें कौन से मतलब सही रहती कि जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ। और मैं कोशिश यही करूँगी आपको वहाँ पे जाके लाइव बता पाऊँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे है, और जो भी बात होगी बिल्कुल वैसे ही आपके सामने मैं शो करूँगी। इसलिए बेशक व्लॉग छोटा बने बड़ा बने, डोंट माइंड, चीज़ है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचने की। तो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। मेरे को 2 मिनट लगेंगे, अपना पर्स ले लूँ, शूज़ पहनूँ, देन विल स्टार्ट। 5-6 शॉप्स घूमने के बाद मुझे यहाँ पे डेट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, जिस तरह की डेट्स होनी चाहिए। मुझे साफ़ सुथरी और क्वालिटी वाइज भी सब सही लग रहा है। घी है इनके पास, हनी है और केसर है, सब चीज़ें अवेलेबल है। तो एक बार इन्हीं से बात करके देखते हैं कि अच्छा। और ये छोटा वाला, जैसे किसी ने इतना वाला लेना हो, 4 आधा किलो है। हाँ, ये कितने का? 50 से लेने जाएगा। अच्छा, आप डिलीवरी भी करवाते हो पूरे कतर में? नहीं नहीं, हम कतर में नहीं, हमको अच्छा यहाँ से इतना हो जाता है। दुकान ये सारी जितनी है सब, ये क्या है? हनी है। हनी एमन का है, ओमन का है, दुआ का। अच्छा, कहाँ का होता है? एमन का होता है। अच्छा, और ये वाला जो आप मेरे को, ये हाफ के जी एमन का, ईमान का, ओमान, ओमान, ईमान। अच्छा चलो इंशाल्लाह। ईमान वाला ये किस प्राइस में शुरू होते हैं? ये ओरिजिनल होते हैं? ओरिजिनल ईरान का है, ग्राम 10 से। अच्छा चलो, आप इस बड़ी से है। ये क्या है अंकल? ये का खाने के ये ना, ये ओरिजिनल। ओरिजिनल तो जो लोग होते हैं वो ऐसे ले जाते हैं, फिर इसका खुद निकालते हैं। खुद निकालते। तो ये कितने का बॉक्स है पूरा? 200 रियल, 150 रियल। अच्छा, एमन का बात तो लेना हो तो फिर तो यही सही है, पैसे खर्चो तो ये लो। ये कितने का पड़ेगा अगर किसी ने लेना हो? 150 रियल, 150। ओके, पर है ओरिजिनल चीज, नो शुगर एड? नो 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 शुगर नहीं। इनमें वैसे शुगर एड होती है थोड़ी बहुत? नहीं नहीं नहीं, नहीं? बलोदी का चेक है 100%। अच्छा चलो, मैं भी फिर लूंगी ये। और मजदूर, और मजदूर कितने की है डेट्स? किलो का 40 रियल भी है। अच्छी वाली? अच्छा वाला है, 40 रियल, 35 रियल। अच्छा, किलो 1 किलो। चलो ले लूंगी। अच्छा, ये भी डेट्स अच्छी है, है ना? सही है। आप अभी बंद कर रहे हो शॉप? हम बंद कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कोई नहीं, चलो अच्छा लगा, मैं आऊंगी, आप कर लो, ईद का वो है ना, तो इसीलिए। हेलो फ्रेंड्स, बस मैं भी घर आई हूँ, थोड़ा सा काम था, मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ा और कल अक्षिता का स्कूल भी है, इनका ऑफिस भी है, और ज़्यादा देर मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर का भी करना होता है। सो फिर ऐसे जितना मेरे को लगा कि मेरे को व्लॉग में आपको दिखाना चाहिए, जो मेन मेरा पर्पस था आपको सही तरह बता पाऊँ कि कहाँ से हमें शॉप करना चाहिए, क्या प्राइजेस हैं, और अगर आप सुपर मार्केट से भी लेते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कितने तक क्वालिटी अच्छी होती है और कितने तक का प्राइस जाता है, सो दैट आप लोग मिसगाइड हो कि गलत चीज़ ना ले लो, ठीक है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ से मैं अभी गई थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अदरवाइज़ मैं बायो में लिंक दे दूँगी, अगर आप जाना चाहते हैं तो उधर जाके कर लेना, बिकॉज आई रियली फाउंड दैट अंकल वेरी गुड। मैं इसलिए उस टाइम परचेज़ नहीं कर पाई बिकॉज इफ्तारी का टाइम हो चुका था एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरी वजह से किसी की इफ्तारी लेट हो। सो मैंने अंकल को बोला, अंकल आप अपना इफ्तारी के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल परसों फिर आपके ले लूँगी। और जैसे कि हनी का मैंने एक बार पहले भी यूज़ किया हुआ है, आई डोंट नो वो इसी लाइन में कोई शॉप थी, पर आई रियली फाउंड दिस अंकल वेरी रीजनेबल, और जहाँ से मैंने पहले लिया था उन्होंने भी यही प्राइस लगाए थे, और तब मैं इंडिया लेके गई थी तो उन्होंने भी यही प्राइस लगाए थे, तो इसलिए आई रियली फाउंड द पर्सन वेरी गुड। अंकल काफ़ी अच्छे थे, पोलाइट थे, और उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो देना मुझे सही समझा, उन्होंने बताई।
अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा सब। ओके देन, ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय फ्रेंड्स।